हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट जोन में। और आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अभी एलपीजी सिलेंडर का जो रेट है 1058 रुपीस है, लेकिन अब आपको सिलेंडर मिलेगा 587 रुपये में। क्या ये वाकई में सच है? तो इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चुनाव का साल है, हो सकता है कि इस वर्ष चुनाव के चलते हुए जो सिलेंडर कहीं ना कहीं 1058 रुपये का हमको मिलता है, अब वो 587 रुपये में मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी एक न्यूज़ पर हम अभी आपको लेकर आए हैं। आपको बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें उपभोक्ताओं को पिछले साल से काफ़ी राहत देखने को मिल रही थी, परंतु नए साल की शुरुआत से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का लाभ और कीमतों में गिरावट देखने को नहीं मिली है। और घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों पर बात करें तो ये पिछले साल 6 जुलाई को पहले कीमतों में प्रत्येक माह बढ़ोतरी की गई थी, जिसके घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत 1000 के आंकड़े को पार कर गई थी। ऐसा 6 जुलाई तक हुआ था, लेकिन 6 जुलाई के बाद घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके बाद जिसके पश्चात आज भी घरेलू एलपीजी की कीमत लगातार स्थिर बनी हुई है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को उज्ज्वलता योजना के अंतर्गत जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित किए गए थे, उन सभी के लिए सब्सिडी का भी ऐलान किया गया था, लेकिन सभी लोगों को सब्सिडी भी नहीं मिल पा रही है। बढ़ते घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों के कारण बहुत से लोग असमर्थ हैं। इससे देश के सभी लोग गरीब परिवारों को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अपनी जेब खाली पड़ रही है। तो आइए जानते हैं इस समय घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की क्या कीमतें चल रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि किसी टाइम पे ये 400-450 के आसपास हमको एलपीजी सिलेंडर मिलता था, और अब इसकी जो कीमत है 1058 रुपीस है। पहले इसकी सब्सिडी भी आती थी हमारे अकाउंट में, अब ना तो सब्सिडी आ रही है और ना ही इसकी कीमत कम हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो एलपीजी सिलेंडर कहीं ना कहीं 450-400 रुपये तक मिलता था, आज उसकी कीमत दुगने से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का जो रेट है, किसका है, जो कॉमर्शियल का बात कर रहे हैं हम, वह 1769 रुपये हैं। कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का जो नया रेट है वो 1870 रुपये हैं। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का जो रेट है 1721 रुपये हैं। और चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का जो नया रेट है वो 1971 रुपये यहाँ पर सिलेंडर मिलता है, यहाँ पर चेन्नई में सबसे महंगा। इसके बाद घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमत है 1053 है। इसके बाद कोलकाता में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 1079 है। इसके बाद मुंबई में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमत है 1052.50 है। और चेन्नई में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 1068.50। और रही बात हम भोपाल की, तो भोपाल में 1058 रुपीस यहाँ पर गैस सिलेंडर की कीमत है, जो कि अभी आसमान छू रही है और इससे आगे भी बढ़ सकती है। यदि इसकी एलपीजी जो सब्सिडी हमको मिलती थी, यदि वो मिल जाती है तो आज भी वो सिलेंडर हमको 600-700 रुपए तक पड़ जाएगा, लेकिन सब्सिडी का कोई अते पते नहीं है दोस्तों। और इस बार हो सकता है कि चुनाव के चलते हुए ये स्कीम लॉन्च फिर से हो जाए, लेकिन अभी कोई इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट की ओर से इसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो आम आदमी की ओर से 1058 रुपये हैं, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। बेट लगने के बाद भी, टैक्स लगने के बाद भी इतना सिलेंडर महंगा नहीं हो सकता, ये आप खुद समझते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट या कुछ सरकारी योजना से रिलेटेड आप तक न्यूज़ पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आए, और शेयर भी करना। तो दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या कहता है उसके रिगार्डिंग भी हमें YouTube कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।